हेलो फ्रेंड, फेमस टीवी सीरियल अनुपमा के आगे आने वाले एपिसोड में अब आप देखेंगे कि फाइनली वनराज फूले नहीं समा रहा है। जहां दो साल के बाद आखिरकार उसे जॉब मिल ही जाती है, वहीं शो के आगे आने वाले एपिसोड में अब आप देखने वाले हैं कि वनराज अपनी जॉब से काफ़ी ज़्यादा खुश है और अपनी खुशी अपने घर वालों से शेयर करता है और बड़े ही एटीट्यूड के साथ कहता है कि वनराज शाह इज़ बैक। लेकिन वहीं वनराज अपने एक और मकसद को पूरा करने में चाले चल रहा है और वो मकसद है अनुपमा को वापस पाना, उसे कैसे भी अपनी लाइफ और शाह हाउस में एंटर करवाना। वहीं विलन माया भी अपने मकसद को पूरा करने में अपने पूरे एफर्ट्स दे रही है। जहां उसकी वजह से अनुज और अनुपमा अलग हो चुके हैं, तो वहीं माया उन दोनों के बीच और भी दूरियाँ बढ़ा रही है। क्योंकि एक तरफ जहां अनुज अपनी अनुपमा को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था और उसे कॉल भी करना चाहता था, लेकिन तभी विलन माया आ जाती है और उन दोनों की बात नहीं हो पाती है। वहीं माया अपने शातिर इरादों को पूरा करने के लिए अनुपमा से कहती है कि अब अनुज तुमसे बात तक नहीं करना चाहता, वो मेरे और छोटी के साथ बहुत खुश है और तुम्हें वापस से अनुज की लाइफ में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहीं अनुपमा अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत तो कर चुकी है। वहीं शो के आगे आने वाले एपिसोड में ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि जहां माया अनुज और अनुपमा को अलग करने की पूरी कोशिश करने वाली है, तो ऐसे में आगे चल के माया और क्या क्या नई नई साजिशें रचती है, ये देखना होगा। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।